सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन से जुड़े घोटाला मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बता दें कि ईडी देश की राजधानी दिल्ली में उनकी लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास में लगी है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम रांची पहुंचने लगा है, जिसके चलते प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी हेमंत सोरेन को जानबूझकर परेशान कर रही है। अगर हेमंत सोरेन को कुछ भी होता है तो झारखंड का जलना तय है। गौरतलब है कि झारखंड के रामगढ़, पतरातू और बड़कागांव समेत अलग अलग जिलों से पार्टी कार्यकर्ता राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए, जिस तरह से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और वो कौन फीड दे रहा है वो सब हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह की एजेंसी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सब का दुरुपयोग करके इस तरह की खबरें चलवाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी को फरार लापता बताया जा रहा है। महामहिम एक तरफ, राज्यपाल जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ की कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करना है, जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाना चाहती है, अपनी योजनाओं को पहचान रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जा रही है, उसको रोकने के लिए। और मुख्यमंत्री जो है, आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब की जाए, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाए, क्योंकि उनके लोग चाहने वाले लोग निश्चित रूप से आक्रोश दिखाएंगे और उसका लाभ लेते हुए वो राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ना तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले लोग हैं, उन बातों पर विश्वास करें। और मीडिया से भी निवेदन है कि वो इस तरह की खबरें न चलाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।